Yash. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक नए तरीके का ट्राइपॉड बनाने वाला हूँ। यह ट्राइपॉड एक यूनिक तरीके का ट्राइपॉड होगा। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको वीडियो शूट करना होता है और वो वीडियो शूट करने के लिए ट्राइपॉड खरीदना चाहते हैं, पर ट्राइपॉड उपलब्ध होने के कारण वो वीडियो को अच्छी तरीके से शूट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक नए तरीके का ट्राइपॉड बनाने के लिए सिखाऊंगा। ट्राइपॉड बनाने के लिए तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन वो सारे वीडियोस उतने अच्छे कारगर तरीके का नहीं है। उनमें जो ट्राइपॉड बनाने के लिए सिखाते हैं वो उतने दिखने में अच्छे नहीं होते हैं और उससे वीडियो को शूट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसे तरीके का ट्राइपॉड बनाने के लिए सिखाऊंगा जो बहुत ही अच्छे तरीके का होता है और वो उसने उसका जो फ्रेम है पूरा ही लकड़ी का है और उसमें एक हैंडल भी है जिससे आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से घुमाकर वीडियो को शूट कर सकते हैं। इससे इस ट्राइपॉड से आपको वीडियो को शूट करने में कोई किसी तरीके का भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और ये ट्राइपॉड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे देखने में लगते हैं जो आपको पहले देख चुके हैं। तो चलिए चलते हैं ट्राइपॉड बनाने की ओर। तो लेट्स गो दोस्तों। सबसे पहले ट्राइपॉड बनाने के लिए आपको लकड़ी के तीन फट्टे लेना पड़ेगा। ये लकड़ी के डंडे, किसी प्रकार के डंडे आप ले सकते हैं, जैसे कि बांस का फट्टी हो गया। आप किसी प्रकार के इतने लंबे, जैसे कि इसकी लंबाई नाप देते हैं, जिसकी इसकी लंबाई 105 सेंटीमीटर। जिस तरह के ट्राइपॉड होते हैं इतने साइज के आपको ट्राइपॉड लेने होंगे। जैसे कि देखिए, आपको नाप के बता देते हैं कि जितना, जैसे कि ट्राइपॉड का लंबाई होता है 105 सेंटीमीटर, उसी तरह से आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। जैसे 41 सेंटीमीटर 105 सेंटीमीटर होते हैं, देखिए 105 सेंटीमीटर होते हैं। उस तरह से आपको तीन डंडे लेने होंगे, दो डंडे होंगे जो एक बराबर बराबर डंडे होंगे, 105 सेंटीमीटर के डंडे होंगे, और थोड़ा सा एक डंडे होंगे दूसरे थोड़ा सा छोटा, जैसे कि 104 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं, जैसे कि एक छोटे डंडे होंगे। तो सबसे पहले दो डंडे लेते हैं और उसके बाद हम एक, जैसे कि ये हैंडल है, उसको हैंडल के लिए घुमाने के लिए हैंडल लेते हैं और उसके बाद हम तीन गुली लेते हैं। जैसे कि इस गुली की लंबाई, जैसे हम तीन गुली लेते हैं, इस प्रकार के तीन गुली लेते हैं, 1 2 3। जैसे इस गुली की लंबाई, जैसे कि देखिए कि 7 सेंटीमीटर 3 इंच, 3 इंच इस गुली की लंबाई 3 इंच। आप इस गुल्ली की लंबाई 3 इंच लीजिए और फिर एक और जैसे है एक गुल्ली, दूसरा गुल्ली, उसका भी लंबाई 3 सेंटीमीटर और फिर एक और है उसकी लंबाई आप 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं। सबसे पहले ये पहले वाले गुल्ली है, उसमें 2 सेंटीमीटर गुल्ली को सबसे पहले इस तरीके से ठोक दीजिए, इस तरीके से लगा दीजिए। मैंने तो इस गुल्ली को पहले ही जोड़ लिया था उस, लेकिन आप इसको इस तरीके से देखिए, जैसे इस तरीके से आप इसमें ठोक लीजिए। उसके बाद इसको इस तरीके से ठोकने के बाद और 3 सेंटीमीटर वाले गुल्ली को आप उसके ऊपर इस चौड़ाई से इस तरीके से आप इसमें कनेक्ट करके ठोक लीजिएगा, ठीक, इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिए, तीन गुल्ली लेंगे। और उसके बाद एक हैंडल होता है जिसके थ्रू आप वीडियो को घुमाकर किसी भी एंगल से शूट कर सकते हैं। उसके और उसके लिए एक तरीके का, इस तरीके का अगर आपके पास उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी एल्युमिनियम का इस तरीके का बना सकते हैं, जबकि मोबाइल को इस पर रख कर शूट करने में आसानी हो। तो चलिए चलते हैं ट्राइपॉड बनाकर देखते हैं। सबसे पहले 105 सेंटीमीटर के दो डंडे को लेते हैं, बराबर वाले डंडे को लेते हैं। उसके बाद इसमें इसको 3 सेंटीमीटर वाले था उसमें हम दोनों को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसको हम इससे कनेक्ट करते हैं, इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, ताकि इसमें कनेक्ट कर दिए। उसके बाद 105 सेंटीमीटर डंडे दूसरे वाले डंडे को फिर कनेक्ट कर देते हैं, इसमें मार्कर इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि देखिए इसमें हम मार्कर कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको बताया था कि उसे एक छोटा सा डंडा लेना है, एक छोटा सा डंडा लेना है, उसको सामने वाला, ये जो सामने वाला गुल्ली था उसमें हम इस प्रकार से सेटिंग करने की बताए हैं, इसको इस तरह से सेटिंग कर लीजिएगा।
ताकि स्टैंड को फैलाने और फिर घिसकाने में आसानी हो। तरीके से हम इसको थोक लेते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से थोक लेते हैं, उसको हम इस प्रकार से स्टैंड कर सकते हैं। अब जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से आप इसको फैला कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये निकल गया, ठीक है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। फिर ये हैंडल है, हैंडल को सबसे पहले इसको इसमें काटे के थ्रू इसको ठोक लेना है। चलिए एक काट लेते हैं और इसमें छेद कर देना है और उसको इसमें समा लेते हैं। उसके बाद ये ऊपर वाले भी है, उसमें हम इसे हैंडल को ठोक देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। चलिए कनेक्ट करते हैं, तो देखिए कि हमारा ये ट्राइपॉड बनकर तैयार हो गया। अब जैसे कि जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से आप हैंडल को घुमा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। देखिए अब जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से घुमा सकते हैं, और इसे हैंडल के थ्रू आप जिस तरीके से वीडियो को शूट करना चाहते हैं, इसको आप अगर करना चाहते तो इस तरीके से हो जाएगा, अगर इसको ऊपर करना चाहते तो इस तरीके से हो जाएगा, घुमाना चाहते तो घूम भी सकता है, किसी तरीके से आप चाहेंगे तो हो सकता है। अभी तो ये टाइट नहीं है, इसलिए आपको इसको फिर कोल दे करके थोड़ा टाइट कर लेना ताकि फिर आगे पीछे ना हो, ठीक है। तो चलिए आपको मोबाइल के थ्रू करके दिखाते हैं, चलिए मोबाइल के थ्रू आपको करके दिखाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा ढीला हो रहा, इसको टाइट कर लेते हैं। देखिए कि आप वीडियो को जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से घुमा सकते हैं, आप जैसे चाहते हैं वैसे घुमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ढीला है इसलिए ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए इसको थोड़ा सा और टाइट कर लेते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा फ्यू कोल डालकर इसको थोड़ा टाइट कर लीजिए ताकि आगे पीछे ना हो। अभी थोड़ा ढीला है इसीलिए आगे पीछे हो रहा। अब देखिए कि इसको जिस तरह से चाहते हैं बिना मूव किए इसको घुमा सकते हैं, बिना इसे स्टैंड को उठाए हुए, बिना किसी को मोड़े हुए अब इसे घुमा सकते हैं, ये स्टैंड हैंडल के थ्रू। तो इसको देख रहे हैं कि हम इसमें इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम आगे पीछे जिस तरह से चाहें उस तरह से घुमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो ये ट्राइपॉड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास साझा जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आपने देखा कि ट्राइपॉड किस तरीके से बना और कितने खूबसूरत तरीके का ट्राइपॉड बनकर तैयार हो गया, जिसे हम हिंदी भाषा बोलते हैं कि मोबाइल शूट करने वाला स्टैंड, जिसे हम ही ट्राइपॉड बोलते हैं। तो आपने देखा कि ट्राइपॉड कितने खूबसूरत तरीके का बेहतरीन तरीके का बन गया। अगर यह ट्राइपॉड आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपका कोई दोस्त अगर वीडियो शूट करना चाहते हैं, वीडियो बनाते हैं और ट्राइपॉड खरीदना चाहते हैं तो उनके पास जरूर भेजें ताकि वो ट्राइपॉड खरीदने से बच सके और एक अच्छे तरीके का ट्राइपॉड बना लें अपने घर के लिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर करके हम बताएँ कैसा होगा। इसीलिए थैंक्स वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।